हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ इंडसइंड बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। इंडसइंड बैंक के जो रिजल्ट है वो फ्राइडे सेशन में आए, बट समय की उपलब्धता के कारण जो है ये वीडियो आपके साथ थोड़ा सा लेट शेयर हो रहा है। तो लेकिन क्योंकि फ्राइडे के बाद आए थे और मंडे को बाज़ार खुलेगा, तो मेरी कोशिश है कि बाज़ार खुलने से पहले इस पर चर्चा की कर ली जाए। शेयर का भाव है 1403 रुपये। पूरे एक साल में कोई रिटर्न इस शेयर्स ने नहीं दिया। शेयर बाजार में बेशक से म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से बहुत बेइंतहा पैसा आ रहा है। आज भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के जो फंड्स हैं, और जून क्वार्टर का जो म्यूचुअल फंड्स का 2023 के मुकाबले में 2024 में पैसा है वो लगभग 4 गुना हो गया। तो ये जो पैसा आ रहा है उसकी जो बाढ़ है, बाढ़ तो छोड़िए सुनामी आ रखी है, जिसकी वजह से वैल्यूएशंस तो देखिएगा सातवें आसमान पर हैं। बट जब तक पैसा आता रहेगा तब तक जो है बहुत सारे जो निवेशक वो ये मान के चल रहे हैं कि बाज़ार तो गिरने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो फंड्स हैं, क्योंकि जो पैसे आ रहे हैं अभी देखिएगा बाज़ार को चेस तो करेंगे ही, और म्यूचुअल फंड्स भी एक बहुत बढ़िया अमाउंट के ऊपर जो कैश में बैठा हुआ है। और रीज़न ये है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वाले भी कैश पे इसलिए बैठे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतनी महंगी वैल्यूएशन पर खरीदें तो किसको खरीदें। तो जैसे ही बाजार में करेक्शन आती है वो खरीदने के लिए दौड़ते हैं। अब इंडसइंड बैंक के जो रिजल्ट हैं वो भी कुछ कुछ इसी तरीके से बता रहे हैं कि देखिएगा इंटरेस्ट की अर्निंग जो है, अगर हम 31/3/2024 को देखें तो इस बैंक की जो इंटरेस्ट की अर्निंग थी वो 12,198 करोड़ रुपये थी। मोटा मोटा देखें तो 12,200 करोड़ रुपये के आसपास इस बैंक ने इंटरेस्ट की कमाई की थी, जो इस बार 12,546 है। और ये बैंक ना काफ़ी एग्रेसिव बैंक है, माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी और रिटेल सेगमेंट के अंदर भी और ऑटो फाइनेंस के अंदर भी। तो ये जो बैंक है, मुझे जहाँ तक याद है हर हफ्ते इनकी एक या दो कॉल मेरे पास जो है अभी भी फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से ये लोग करते हैं, जो भी इनके एजेंट्स हैं वो। कभी क्रेडिट कार्ड के लिए आता है, कभी ऑटो लोन के लिए आता है, कभी नया बैंक अकाउंट खुलाने के लिए आता है। बट काफ़ी एग्रेसिवली जो है इनके जो मतलब मार्केटिंग वाले लोग हैं वो अक्सर फ़ोन करते हैं और मैं ब्लॉक करते करते जो है थक गया हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लोग नहीं थकने वाले, तो एग्रेसिव बैंक है इस मामले में। अगर अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम स्लाइडली लोअर साइड है, और 2508 करोड़ की जो इनकम ये जनरेट कर रहे थे पिछले क्वार्टर में वो इस बार घटकर आप देखेंगे 2441 करोड़ पे आ गई है। तो अब ये जो अदर इनकम की जो फिगर है ये तो मोर और लेस चलिए स्लाइडली लोअर साइड है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम जो है तकरीबन 14,706 करोड़ से 14,988 करोड़ हो गई है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो तकरीबन 300 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा ही है। लेकिन ये सब 300 करोड़ रुपये जी कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि इंटरेस्ट जो इन्होंने पे किया है उसमें सारा का सारा खप गया। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं, 3,837 करोड़ हुए हैं। और इन सब के बावजूद अगर हम बात करें आपसे तो ये जो खर्चे वर्चे हैं ये तो इन्होंने ठीक ठाक निपटा लिए, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 4081 करोड़ से घटकर 39151 करोड़ हो गया। तो तकरीबन 130 करोड़ का जो है डेंट पड़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लोअर साइड हो गए। अब बात करते हैं इनके प्रोविजंस की। तो जो असेट्स पे जो प्रोविजंस बनाए, तो एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही घट गया, और जो प्रोविजंस है वो 950 करोड़ के थे, वो बढ़कर इस क्वार्टर में 1049 करोड़ हो गए। तो वहाँ पर भी तकरीबन 100 करोड़ रुपए का अलग डेंट पड़ा है, जिसकी बदौलत जो सारा प्रॉफिट है जो ग्रोथ होनी थी तो कुछ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गया और कुछ प्रोविजंस की वजह से। तो कुल मिलाकर ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तकरीबन 7-8% के आसपास डाउन हो गई है। तो 30.19 रुपये की ईपीएस घटकर 27.89 है। अगर हम इसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें तो वो भी कोई बेहतरीन नहीं है अब इस समय पर। हालांकि पिछले साल के मुकाबले में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन क्वार्टर के सामने इम्प्रूव हो गई है, तो कोई बहुत बेहतरीन नहीं है। अगर हम रिटर्न ऑन असेट्स की बात करें कि भाई रिटर्न ऑन असेट्स कितनी है, तो रिटर्न ऑन असेट्स 1.7 है। अगर अब इस कंपनी की बैलेंस शीट देखने की कोशिश सॉरी मार्केट कैप देखने की कोशिश करें तो मार्केट कैप है 1,09,000 करोड़ के आसपास। और कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, कौन से ऑपरेशंस में इन्होंने अच्छा किया,
तो ट्रेजरी इनका अच्छा नहीं करती हुई नजर आई है। तो ट्रेजरी में कोई अच्छा नहीं किया, जैसे हम आईसीआईसीआई बैंक में देख रहे हैं तो ट्रेजरी काफ़ी अच्छा था इनका। होलसेल बैंकिंग में 928 से 961 है, यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। लेकिन रिटेल बैंकिंग यहाँ पर भी इनकी धराशायी होती हुई नज़र आ रही है, जो आईसीआईसीआई बैंक में भी थी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी थी और इनकी भी है। तो 4266 करोड़ से 309 करोड़ हैं। तो यहाँ पर जो डेंट पड़ा है वो रिटेल सेगमेंट में पड़ा है, और रिटेल सेगमेंट की वजह से प्रॉफिट साफ हो गए इनके। और रिटेल सेगमेंट जो है एक काफ़ी चैलेंजिंग जो है आज की बैंकों को हो रहा है, जो कभी एक प्रीमियम सेगमेंट होता था वही अब प्रॉफिट डिलीवर करने में नाकाम हो रहा है, या वहाँ पर जो है एनपीए की समस्या जो है बैंकों को देखी जा रही है। अगर हम कुल मिलाकर वैल्यूशन वाइज भी देखें तो आज की डेट में भी 27.89 की जो है ईपीएस इन्होंने रिपोर्ट की है, उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन जो ईपीएस का फोरकास्ट है वो 120 रुपये के आसपास आता है। तो तकरीबन 11-12 के पी रेशियो पर ये जो शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत महंगी वैल्यूशन पर है ये शेयर। और इसके जो मार्जिनस हैं उन पर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% का जो मार्जिन है नेट इंटरेस्ट इनकम वो इम्प्रूव हुई है, यानी कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 1% बढ़ के आई है। और अगर अदर इनकम की बात करें तो वो 3% घट के आई है। टोटल इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2% बढ़े और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3% घटा। तो 3% का डेंट पड़ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से और अदर इनकम घटने की वजह से। तो एक तो अदर इनकम नहीं आई और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए। उसके बाद इनका प्रोविजन्स बढ़ गया 10%, और ये 10% प्रोविजन बढ़ने की वजह से जो इम्पैक्ट आया इस 10% का वो ये आया कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट -3% था वो घटकर 7% पे चले गए, यानी कि 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट के आया है। और जो टैक्स को एडजस्ट करने के बाद जो कुल मिलाकर 8% के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट गए हैं। अगर लोन की बात करें कि भाई लोन ग्रोथ कितनी रही इस क्वार्टर में, तो मात्र 1% लोन बढ़ा पाई है बैंक पूरे पिछले जुलाई जून 2024 के क्वार्टर में, मार्च 2024 से कंपेयर करें तो। डिपॉजिट में 4% की ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली है, कासा में कुछ भी नहीं हुआ है। टर्म डिपॉजिट 6% बढ़े हैं, और इसके अलावा जो कासा है उसमें तो कोई ग्रोथ है ही नहीं। और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 1% बढ़ के आई है, अदर इनकम ये हम सब चर्चा कर चुके हैं आपके साथ। और रिटर्न ऑन असेट्स की बात करें तो 1.7% पे है। और ये जो शेयर है इस शेयर्स की जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से, हालांकि शेयर प्राइस में कुछ हुआ नहीं है बट वो रिजल्ट में भी जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब शेयर प्राइस में क्या रिएक्शन आएगा वो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से पैसा आ रहा है तो अगर किसी भी शेयर में करेक्शन होती है तो ये जो म्यूचुअल फंड्स में जो फंड आ रहे हैं ये जो है उस शेयर्स को चेस करना शुरू कर देते हैं। और अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें वो हालांकि बैंक जो है 4% से ऊपर मेंटेन कर पाया है 4.25, और हालांकि 1 बेसिस पॉइंट जो है घटकर आई है, यानी कि पिछले क्वार्टर में 4.26 थी जो इस बार घटकर 4.25 हो गई है। तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बैंकों के लिए, और रीज़न जो है वो हमें दिख रहा है वो सब है डिपॉजिट्स, और डिपॉजिट्स जब तक ग्रो नहीं करेंगे तब तक इम्प्रूव कर पाना मुश्किल है। और फाइनेंस के अगर कहाँ पर कौन सा फाइनेंस किया हुआ है इन्होंने, तो देखिएगा जो इनकी लोन बुक है उसमें 26% तो व्हीकल फाइनेंस में है, 18% नॉन व्हीकल फाइनेंस में, 8% छोटे कॉरपोरेट्स को दिया हुआ है, 16% जो है मिड कॉरपोरेट्स को है, लार्ज कॉरपोरेट्स को 24% फंड है, और माइक्रो फाइनेंस में 11%। तो एक जो पोर्टफोलियो है उसमें लार्ज कॉरपोरेट्स वाला अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो भी फंडिंग्स है वो थोड़ा सा एक हाई रिस्क वाला जो सेगमेंट है उसको कैटर करते हैं, इसीलिए शेयर जो है 11-12 के पी पर ट्रेड कर रहा है। तो जो लोन बुक है वो थोड़ी सी रिस्की है जिसकी वजह से इसको प्रीमियम वैल्यूशंस नहीं मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।